खबर गाजियाबाद से है, जहां सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नेहरू नगर तृतीय में कारोबारी की पत्नी बेटी को बंधक बनाकर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी और कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी मुनिराज जी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसएसपी ने बताया कि चोरों की तलाश करने के लिए चार टीमें गठित कर दी गई। वहीं एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरीन साहब हैं, इनकी फैक्ट्री है, वो किराए पर इन्होंने दी हुई है। घर में इनकी पत्नी और इनकी बेटी थी। दोपहर 2 बजे कुछ लोग आए, ये कहा कि सरीन साहब ने चेकबुक भेजी है। पत्नी ने इनके दरवाजा खोल लिया। 3 लोग ऊपर आए, उसमें से एक दो ने मुंह ढका हुआ था, एक ने खुला हुआ था। उनके साथ मारपीट करी, उनको टेप से उससे बांध दिया, धमकाया, डराया और जो कर सकते थे वो पैसे लगभग 5 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 3:15 बजे के आसपास ये घर पे हाउस रॉबरी हुई थी। सूचना मिली थी, तुरंत पुलिस मौके पर आया। आने के बाद पुलिस ने पूरा छानबीन किया है, और घटनाक्रम ऐसे पता चला है, 2 मोटरसाइकिल में 2 लड़के हैं और उस पर एक लड़का नीचे खड़ा हो गया था, 3 लड़के ऊपर गया है।